लेकिन तेजस्वी यादव आज की राजनीति को या 4 जून की राजनीति को किस तरीके से देख रहे हैं? हाउ आर यू सीइंग द होल पॉलिटिक्स? डू यू सी इट वेरी पोलराइज्ड? डू यू सी दैट दिस पॉलिटिक्स इज गोइंग टू एंड अ न्यू काइंड ऑफ अ पॉलिटिक्स इज गोइंग टू कम? व्हाट विल दैट बी? देखिए, हम बहुत ही आश्वस्त हैं कि इस बार इंडिया की सरकार बनेगी, और इंडिया की सरकार बनेगी तो मुद्दे की बात होगी, मुद्दे की बात होगी। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, महंगाई की बात होगी, बेरोजगारी खत्म करने की बात होगी, गरीबी खत्म करने की बात होगी, इन सारी चीज़ों पर। ताकि मेरा मानना, जब तक गांव विकास नहीं करता तब तक देश विकास नहीं कर सकता। गांव को आगे बढ़ाना पड़ेगा, गांव के लोगों के लिए काम करना पड़ेगा, उस हिसाब से हम लोगों को काम करना है। तो अच्छी शिक्षा व्यवस्था हो, अच्छा स्वास्थ्य व्यवस्था हो, इन सब चीज़ों पे खासतौर पे हम लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है। एक बात बताइए, आपने लोकतंत्र खतरे में है इसकी बात की, ये बताइए कि तेजस्वी यादव को कौन से इंस्टीट्यूशन पर विश्वास है? आज की डेट में कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिस पर आप विश्वास करते हैं कि हाँ, मुझे इस इंस्टीट्यूशन पर, इस संविधान पर, इस पर विश्वास मुझे है? मुझे बड़ी खुशी होती कि आज मैं इस समय बोल सकता कि मुझे चौथे स्तंभ पर विश्वास है, लेकिन नहीं कह सकते। क्या आप भी कह सकती हैं कि मीडिया इज प्लेइंग अ फेयर रोल? मीडिया विल प्ले इट्स रोल इफ ऑपोजिशन लीडर्स प्ले द रोल ना। वी आर प्लेइंग अ रोल, लेकिन आप जैसे बुरा ना लें, हमारे गठबंधन का नाम है इंडिया अलायंस। मोदी जी ने बोला इंडी, तो आप भी बोलती हैं इंडी। आप तो मोदी जी की बात कर रही हैं, तो आप लोग बोलेंगे ना कि आप खुद भी तो अब इंडिया अलायंस, इंडिया अलायंस कहाँ बोल रहे हैं आप खुद भी को एनडी अलायंस क्यों नहीं बोलती है? आप इंडिया अलायंस को इंडी क्यों बोलती है? लेकिन आपके लोग बोल रहे हैं बेसिकली। प्रॉब्लम तो ये है तेजस्वी जी, देखिए, किसी चीज को कारपेट के नीचे डालने से तो होगा नहीं ना। नहीं नहीं, हम कह रहे हैं कि लोग जानते हैं, हर मीडिया का सबको हम ब्लेम नहीं करते, बट देयर आर सर्टेन मीडिया ग्रुप्स, सर्टेन जर्नलिस्ट, दे ओनली प्ले द एजेंडा ऑफ व्हाट नरेंद्र भाई मोदी वांट्स टू पुट। तो सोशल मीडिया पर भी तो आप लोगों का इसी तरीके से, आप लोग भी सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव हैं। हम लोग जो कर रहे हैं, बट कई जगह सर्वे हुआ है, रिपोर्ट भी आए हैं मीडियाज के ऊपर कि कौन कितना फेयर प्ले कर पाए, उसमें भी बहुत नीचे गया है। नहीं देखिए, मीडिया को ब्लेम कर देना, हम ब्लेम नहीं कर रहे, मीडिया को ब्लेम कर देना किसी भी लीडर के लिए, क्योंकि वो तो हम लोग हर तरफ से जिसकी नहीं चली वो मीडिया को ब्लेम कर देता है। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि अगर वो बोलते हैं, अगर एनडीए के लीडर्स, बीजेपी के लीडर्स ये बोलते हैं कि ये जो अलायंस है ये किसी तरीके का बटोरा हुआ कुनबा है, हाँ तो उसको क्या बोलेंगे आप? बोलिए, आप बताइए तो सही, आप ठोक के बोलिए, सवाल पूछिए। लेकिन आप बार बार बोल रहे हैं आपका इंडिया अलायंस है, इंडिया अलायंस है। आप बोलिए आपका इंडिया अलायंस है, पीएम इंडिया अलायंस बोलते हैं, आपको इस पे क्या बोलना है? तो सवाल बता। खैर, नहीं नहीं, देखिए हम लोग तो बोल लेंगे इंडिया अलायंस और इंडिया अलायंस और इंडिया अलायंस, लेकिन 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 क्या आपके लोग, आपके वर्कर, आपका सोशल मीडिया टीम क्या बोलता है? एकदम बोलता है, एकदम बोलता है। देखिए, इंडिया अलायंस, आपने कुछ दिन पहले मेरा गाना भी सुनी होगी, सुन भाई सुन देश की धुन, ऑन 4 जून इंडिया गवर्नमेंट इज कमिंग। तो अभी तक क्या नॉन इंडिया गवर्नमेंट रहा है? इंडिया गवर्नमेंट मींस इंडिया, इंडिया मींस इंडिया, इंडिया इज इंडिया, इंडिया तो इंडिया, हर गवर्नमेंट इंडिया का गवर्नमेंट होता है। वी आर इंडिया अलायंस, नो, बट हर गवर्नमेंट इज इंडिया गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट अलायंस में रखता है, इंडिया है तो इंडिया गवर्नमेंट इज कमिंग, इंडिया गवर्नमेंट इज कमिंग। ओके, तो